बड़ी खबर इस वक्त की रायपुर से आ रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का हरियाणा दौरे पर रवाना। दोनों उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा भी हरियाणा के लिए हुए रवाना। हरियाणा में सैनी सरकार के शपथ ग्रहण में होंगे शामिल। दौरे को लेकर मुख्यमंत्री साय ने कहा, हरियाणा के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में जा रहे हैं, दोनों उप मुख्यमंत्री भी साथ जा रहे हैं। शपथ के बाद प्रधानमंत्री के साथ बैठक भी है। रायपुर दक्षिण उपचुनाव को लेकर सीएम विष्णुदेव साय का बयान, चैलेंज तो हम लोग मान के ही चल रहे हैं, सामने वाले को कमजोर नहीं समझना चाहिए। रायपुर दक्षिण सीट भारतीय जनता पार्टी की है। रायपुर दक्षिण की सीट भाजपा भारी मतों से जीतेगी। आज हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी शपथ लेंगे मुख्यमंत्री पद का, और शपथ ग्रहण समारोह में हम लोग शामिल होने जा रहे हैं। हम जा रहे हैं, हमारे साथ हमारे दोनों डिप्टी सीएम साहब जा रहे हैं, आदरणीय श्री अरुण साहु जी, आदरणीय श्री विजय शर्मा जी, और शपथ ग्रहण के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ बैठक भी। सर, रायपुर दक्षिण चुनाव की घोषणा, उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है, किस तरह देख रहे हैं कि कितना बड़ा चैलेंज मानते हैं? अब चैलेंज तो हम लोग मान के ही चल रहे हैं, कहे कि सामने वाले को कमजोर नहीं समझना चाहिए, लेकिन वो सीट भारतीय जनता पार्टी की है। अभी जो लोकप्रिय सांसद हैं ब्रिजमोहन जी, लगातार उस सीट से 8 बार विजयी हुए हैं, और पिछले बार के विधानसभा चुनाव में करीब 65,000 मतों से वो विजयी हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी वहां से जीती है, तो निश्चित रूप से रायपुर दक्षिण की सीट भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से जीतेगी।